जय हिंद बच्चों, मैं शशि प्रभा मध्य प्रदेश भोपाल से। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें यह पता चलेगा कि गाँव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके आगे छोटा कस्बा शाहपुर है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव के कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश लोगों के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। उत्पादन का संगठन अर्थात उत्पादन कैसे होता है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। औजार, मशीन, भवन, इनमें जैसे हल, जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर आदि औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। चौथी आवश्यकता है मानव पूंजी। स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। इसे ही मानव पूंजी कहा जाता है। इन चारों आवश्यकताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें
क्यों पैदा कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। पहले किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। गाँव के लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, बाद में जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। देश की बात की जाए तो आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं और कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? जब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करते हैं तब उसे बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है और यह एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका है। दूसरा तरीका आधुनिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं कि बहुविध फसल प्रणाली और कृषि की आधुनिक प्रणाली में क्या अंतर है। बहुविध फसल प्रणाली एक ही वर्ष में किसी विशेष भूभाग में एक से अधिक फसलें पैदा करने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। बिजली के आ जाने से सिंचाई व्यवस्था में इतना सुधार हुआ है, उसका परिणाम यह हुआ कि किसान खरीफ और रबी दोनों फसलें उगाने में सफल हो सके हैं। कुछ किसान सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण तीसरी फसल आलू को उगाने में भी सफल हो गए हैं। अब आधुनिक प्रणाली देखते हैं। कई अन्य स्थान पर जैसे पंजाब और हरियाणा के बहुत से किसानों ने कृषि के आधुनिक ढंग को अपनाकर भी अपनी उपज बढ़ा ली है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक उपज वाले बीजों का विकास करके खेती के आधुनिक उपकरण का प्रयोग करके सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करके एक प्रकार से हरित क्रांति ला दी है और अपनी उपज को कई गुना बढ़ा लिया है। भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। अपन चार्ट के हिसाब से देखते हैं, 1965-66 में गेहूं का उत्पादन कुल 10 करोड़ टन था। लगभग 35 वर्षों के बाद गेहूं का उत्पादन बढ़कर 70 करोड़ टन हो गया। सन 2017-18 में गेहूं का उत्पादन 97 करोड़ टन पर पहुंच गया। बच्चों, ये कैसे संभव हो सका? गेहूं के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि कैसे हो सकी? क्योंकि भारत में हरित क्रांति के कारण ही यह सब संभव हो पाया है। क्योंकि हरित क्रांति में आधुनिक बीजों का उपयोग किया जाता है। हमने उत्पादन के तीनों कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती और उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक खाद के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे और यह सब किसानों के पास आसानी से उपलब्ध था, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। लेकिन अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव था। सबसे पहले भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। कुछ किसानों ने फसल काटने के लिए मशीनें खरीदी जिसके कारण जुताई और कटाई का काम तेज हो गया। किसानों को इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। जब वहां किसानों ने HYV बीजों का प्रयोग किया तब वहां गेहूं की उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब अधिशेष गेहूं की मात्रा
उपलब्ध थी, परंतु सवाल यह उठता है कि आधुनिक कृषि को भूमि धारण कर पाएगी या नहीं, क्योंकि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग किया है। इसके कारण अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के लगातार प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन को बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, तथा एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। आइए देखते हैं कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आप समझ गए होंगे कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है, परंतु पालमपुर में खेती के काम में लगे हुए सभी लोगों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। भूमि के इतने छोटे टुकड़े पर खेती करने से किसानों के परिवारों को बहुत कम आमदनी प्राप्त होती है। इसे हम एक कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। 1960 में किसान गोविंद के पास 2.25 हेक्टर जमीन थी। वह अपने तीन पुत्रों की सहायता से जमीन पर खेती करता था। वे लोग बहुत आराम से तो नहीं रह रहे थे, परंतु उनके पास एक भैंस होने से कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी और उनका गुजारा चल जाता था। परंतु गोविंद की मृत्यु के बाद वह जमीन उसके तीन पुत्रों में बंट गई। अब प्रत्येक पुत्र के पास केवल 0.75 हेक्टर भूमि का टुकड़ा था, लेकिन अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें खेती के अलावा दूसरा काम भी करना पड़ता था। इस कहानी से ये भी पता चलता है कि खेती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पालमपुर में 450 परिवारों में से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 240 परिवारों के पास 2 हेक्टर से भी कम भूमि है। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा कारक है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। उन्हें उस काम के लिए मजदूरी दी जाती है। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी दिया जाता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेतों में अलग अलग कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं या उन्हें विशेष कार्य जैसे कटाई या फिर पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। खेतों के लिए सबसे आवश्यक है पूंजी, अर्थात पैसा। अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। ज्यादातर छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। देखिए, छोटे किसान अपने लिए आवश्यक पूंजी किस प्रकार इकट्ठा कर पाते हैं या उनका कैसे प्रबंध कर पाते हैं, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। ये सविता की कहानी है। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप यह भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई के समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत ही कठिन है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है और वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था आसानी से कर लेते हैं। अधिशेष
कृषि उत्पादों की बिक्री, जो अधिक उत्पादन होता है उसकी बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग करके अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। अब किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे पूरा गेहूं तो उपयोग में नहीं लेते, परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और बाकी का बचा हुआ अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। परंतु जो छोटा किसान है, उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। इसके अलावा पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। यहाँ 25% लोग कृषि के अतिरिक्त दूसरे कार्य भी करते हैं। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जैसे डेयरी। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को घास, ज्वार, बाजरा खिलाते हैं। दूध को रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है। यहाँ से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। दूसरा है लघु स्तरीय विनिर्माण। पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत, पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य परिवार के सदस्यों की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। कभी कभी श्रमिकों को किराए पर भी लिया जाता है। इसे हम मिश्रीलाल की कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरना अर्थात गन्ने से गुड़ बनाना बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब यह कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। मिश्रीलाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है, फिर गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल को थोड़ा लाभ हो जाता है। तीसरा है दुकानदार। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल एवं कुछ दुकानों पर कपड़े भी मिलते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर बस स्टैंड के पास हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोल ली है और वे खाने की चीजें बेचते हैं। उदाहरण के रूप में हम करीम की कहानी से इसे समझते हैं। करीम ने अपने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है, क्योंकि कुछ वर्षों से गांव के कुछ विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज की कंप्यूटर कक्षाओं में जाने लगे थे। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग एप्लीकेशन की डिग्री थी। करीम ने उन्हें अपने कंप्यूटर केंद्र में काम पर लगा दिया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में एक कमरे में जो बाजार की तरफ खुलता था वहां कक्षाएं शुरू कर दी। इन कक्षाओं में हाई स्कूल के कई छात्रों ने आना प्रारंभ कर दिया। तीसरा है गैर कृषि क्रियाएं परिवहन। परिवहन यह एक तेजी से विकसित होने वाला गैर कृषि कार्य है। पालमपुर रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले लोग, ये वे लोग हैं जो गांव के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इनके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। पिछले कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसे हम किशोर की कहानी के द्वारा भी समझ सकते हैं। किशोर एक खेत में काम करने वाला मजदूर है। दूसरे श्रमिकों की तरह वह भी अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं बहुत कठिनाई से पूरी कर पाता था। एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत उसने बैंक से कर्जा लिया था। इस कार्यक्रम में भूमिहीन निर्धन परिवारों को कम ब्याज पर कर्ज दिया जा रहा था। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी और अब वह भैंस का दूध बेचने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली, जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। जैसे सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर महीने उसे परिवहन से संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब ज्यादा कमाने लगा है। ये कुछ गैर कृषि कार्य हैं जो पालमपुर में किए जाते हैं। गैर कृषि कार्यों का एक महत्व यह भी है कि ये कम भूमि की आवश्यकता होती है और ये कम पूंजी से भी शुरू किए जा सकते हैं। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें।
पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बे और शहरों में अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। बच्चों, हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब कुछ ये प्रश्न हैं जिन्हें आप घर पर करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। प्रश्न नंबर दो, मझौले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। तीसरा प्रश्न, गाँव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। प्रश्न नंबर चार, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके कौन से हैं। बच्चों, इन चारों प्रश्नों को घर पर करने का प्रयास करें। आइए अब हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। हमने उत्पादन के तीन कारकों, भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती व उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। दिए गए रिक्त स्थानों में इनको भरने की कोशिश करें। उत्पादन के तीन कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या वैश्य। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत डैश उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। कृषि भूमि का क्षेत्र डैश है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी डैश रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान डैश और डैश का उपयोग करते हैं। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेती की आधुनिक विधियों में डैश की अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ हैं, उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है। डैश प्राकृतिक संसाधन है, जबकि डैश मानव निर्मित है। पूंजी को बढ़ाना संभव है, जबकि भूमि स्थिर है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह से देखभाल करें। बच्चों, ये पाठ से संबंधित रिक्त स्थान है, इनको भरने का प्रयास करिए। बच्चों, हमने इस पाठ में पालमपुर गांव की कहानी का अवलोकन किया। आइए अब पूरी कहानी को एक बार सारांश के रूप में समझ लेते हैं। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि में अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गाँव, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गाँव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर
कर दिया। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। पालमपुर में हमने देखा कि आसपास के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। बच्चों, आशा करती हूं कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। जय हिंद बच्चों।